नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी न्यूज। मैं हूं सलमान सागर। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में एक मुद्दा सुर्खी बना हुआ है। मुद्दा गुजरात से यूपी और बिहार वालों को मारकर पीटकर खदेड़ा जाना। मुद्दा गुजरात से यूपी और बिहार वालों के साथ बदसलूकी करना। मुद्दा यूपी और बिहार के लोगों का गुजरात से डर के मारे, खौफ के मारे पलायन करना। आखिर क्या वजह है कि यूपी और बिहार के लोगों को गुजरात से मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है और उनका अपमान किया जा रहा है। इतना ही नहीं है, पिछले एक हफ्ते से लगातार आप विभिन्न तरह के मीडियाओं में देखते होंगे कि किस तरह से यूपी और बिहारियों पर गुजरात में अत्याचार किया जा रहा है। यूं तो इससे पहले हिंदुस्तान के और भी कई ऐसे राज्य थे जहां हिंदी भाषी होने के वजह से, जहां हिंदी बोली होने के वजह से बिहार वालों को, यूपी वालों को हमेशा मारा जाता रहा है, हमेशा उन्हें परेशान किया जाता रहा है। और अब इस कड़ी में गुजरात का भी नाम शामिल हो गया है। मैं याद करना चाहूंगा शाहरुख खान की फिल्म रईस, उसका जो एक डायलॉग था कि गुजरात के हवा में व्यापार छो साहब। मैं बताऊं आपको कि इस घटने के बाद गुजरात के हवा में व्यापार छो साहब, इस डायलॉग की हवा निकल गई। गुजरात के हवा में व्यापार नहीं छो साहब, गुजरात के हवा में मारपीट छो साहब, गुजरात की हवा में काट छो छो साहब, गुजरात की हवा खराब छो साहब, गुजरात की हवा गंदी छो साहब, गुजरात की हवा स्वच्छ न, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं, ये लोग इतने कमजोर नहीं होते हैं जितना हिंदुस्तान में दूसरे राज्यों के लोग, गैर हिंदी भाषी लोग उन्हें कमजोर समझते हैं। ये यूपी और बिहार के लोग वो लोग होते हैं जो अपने मेहनत के बदौलत, जो अपने बाजू के बदौलत बड़े से बड़े इमारत को तामीर कर देते हैं। ये यूपी और बिहारी के तो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने मेहनत का, अपने हुनर का डंका बजा रखा है। ये यूपी और बिहारी के तो लोग हैं जिन्होंने आपके खेत में काम किया, जिन्होंने आपके लिए महलें तामीर की, जिन्होंने अपने बाजू से आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी, जिन्होंने अपने रात दिन एक करके आपके फैक्ट्री को लाखों से करोड़ों में, आप करोड़ों से अरबों में पहुंचाए। ये लोग इतने कमजोर नहीं होते साहब। साहब आप अपनी मानसिकता बदलो। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि अगर किसी 14 महीने के बच्ची के साथ रेप की घटना होती है गुजरात में, ये घटना बेहद निंदनीय घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार इसकी घोर निंदा करता है। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन किसी एक व्यक्ति के घटना अंजाम देने की वजह से पूरे यूपी के लोग, पूरे बिहार के लोगों को गलत निगाह से ना देखिए साहब। यूपी और बिहार के लोग वो अनमोल लोग होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई आईएएस आईपीएस पैदा करता है तो वो यही यूपी और बिहार की धरती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई आईआईटीज देता है तो वो यही यूपी और बिहार के लोग हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि यूपी और बिहार के लोगों को इतना कमजोर, इतना निहत्ता नहीं समझा जाए। यूपी और बिहार के लोग वो होते हैं जो अपने मेहमानों को, जो अपने यहाँ आने वालों को हाथों पर लिए फिरते हैं। साहब ये क्या कर रहे हो, क्यों? आप देख सकते हैं, आप देखें, आप हर जगह, आप बिहार में कहीं भी जाएंगे, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आपका वेलकम किया जाएगा। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे आप किसी भी भाषा के बोलने वाले हों। फिर ऐसा क्यों साहब, हम तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम तो भारत की राष्ट्रीयता से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो भारत की राष्ट्रभाषा बोलने वाले लोग हैं, तो फिर क्या हम हिंदी बोलते हैं इसलिए हम गुनहगार हैं, इसलिए हम अपराधी हैं? अगर कोई एक शख्स अपराध करता है तो क्या उसकी सजा पूरे यूपी और बिहार पट्टी को मिलेगी? ये कहां का इंसाफ है साहब? मैं दिखलाना चाहता हूं कि गुजरात के हवा में व्यापार छो साहब, इस डायलॉग की तो हवा निकल गई है। व्यापार नहीं छो साहब, गुजरात की हवा में मार छो साहब, गुजरात की हवा में दंगा छो साहब, गुजरात की हवा में काट छो साहब, गुजरात की हवा में लूट छो साहब,
गुजरात की हवा में व्यापार नहीं छो साहब, गुजरात की हवा में भाषा की बुनियाद पर देश को तोड़ने की हवा छो साहब। कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन एक प्रचार कर रहे थे कि एक दिन गुजरात में गुजार कर देखो, बिल्कुल नहीं, एक घंटे भी गुजरात में मत गुजारो, गुजरात रहने के लायक नहीं है, गुजरात इंसानियत की जगह नहीं है। आपने देखा अभी जिस तरह से यूपी और बिहार वालों को गुजरात से मारा जा रहा है, गुजरात से खदेड़ा जा रहा है। अरे साहब, आप यूपी और बिहार वालों को समझते क्या हो, आप जलते हो। असल है कि आप यूपी और बिहार वालों के मेहनत से, उनके संघर्ष से, उनके बल से, उनके हौसलों से जलते हो आप। और किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोग जो लोग भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर देश को तोड़ना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, ऐसे लोग यूपी और बिहार वालों के पीछे पड़ते हैं। उनकी जो प्यारी भाषा है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा, ये जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसके पीछे पड़े हैं, उनके मेहनत के पीछे पड़े हैं, उनके लगन के पीछे पड़े हैं। ऐसे लोगों को ये खलता है कि यूपी और बिहार के लोग तो रेंगना शुरू करते हैं जमीन से, और धीरे धीरे अपने मेहनत, अपने बल और अपने दृढ़ संकल्प को लेकर अपने पैरों में उड़ान ले आते हैं, अपने पैरों में पंख ले आते हैं, और वो फिर आसमान की बुलंदी तक सफर करते हैं। ये खलता है उन लोगों को जो मेहनत से मुंह मोड़ते हैं, जो कामचोर हैं। यूपी और बिहार वालों को इतना कमजोर मत समझो साहब। मैं दिखाना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोगों को कि किस तरह से यूपी और बिहार वालों को मारा जा रहा है, गुजरात में खदेड़ा जा रहा है। आप होशियार हो जाओ गुजरात वालों, ये हरकतें छोड़ दो। मैं कहता हूं कि ये हरकतें छोड़ दो और यूपी और बिहार वालों को चैन से रहने दो। हम तो साहब आपके गुजरात को बनाने जाते हैं, हम तो साहब आपके गुजरात को चमकाने जाते हैं, हम तो साहब अपने इन मजबूत बाजुओं से मेहनत करके आपके घर में, आपके मकानों में, आपके छत पे, आपके बिल्डिंगों में, आपके कारखानों में काम करते हैं, और हम सिर्फ मजदूरी लेते हैं, जबकि उसका पूरा का पूरा हक और पूरा का पूरा इनाम और पूरा का पूरा मुनाफा आप लेते हो, आप जैसे गुजराती फायदा उठाते हो, और फिर भी हम यूपी और बिहार वाले बदनाम हैं। कहां से साहब, एक रिपोर्ट देखिए किस तरह से यूपी और बिहार वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे गुजरात में एक बनाव बनाया, आपको मालूम है क्या मालूम? नहीं, हमारे गुजरात में एक बनाव बना हुआ है। हमारे ठाकुर जी की पुत्री 14 महीना की थी, उसके साथ यूपी के भैया ने बलात्कार किया, और आपको मालूम है? नहीं मालूम है? क्या जानते हो? पूरे गुजरात में समा गया, पूरे इंडिया में समा गया। अभी फिलहाल मैं क्या बोलता हूँ आपको, अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ मैं, ऑनली फॉर यही बोलता हूँ, प्रेम से मेरी बात सुनो। मैंने आज व्हाट्सएप पे छोड़ा था, कुछ ने सुना नहीं होगा। 2 दिन, आज का दिन चला गया, कल का दिन है 9 बजे तक, कल रात का 9 बजे तक, पूरे उवर गांव का जो कुछ यूपी का हो, बिहार का हो, पूरे गांव खाली करके चले जाओ, प्रेम से कहने आए। क्योंकि मेरी बेटी है 14 मास की, 14 साल की हो तो चलेगी, आपको मालूम नहीं होगा। आपकी बेटी है तो क्या होगा? लगता ना, मेरी 14 मास की बेबी थी, समाज की बेबी थी, मेरे ठाकुर समाज की बेबी थी, आपको मालूम होगा। पूरे गुजरात में समा गया है, संदेश में आया है, गुजरात में आया, दिवस भास्कर में आया, टीवी पे चैनल पे आप सुनते होंगे, आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, कोई चिंता नहीं, मैं ओनली फॉर आज वार्निंग देने आया हूँ, कल 9 बजे तक
अभी कितने बजे आपकी गली में देखो? 9 बजे। 9:30 बजे कल 9:30 बजे तक उधर आप नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो, उधर गाँव में नहीं चाहिए, ठीक है? कल सुबह जैसी आपकी ट्रेन आए आप चले जाओ उधर से, गाँव छोड़ के। कोई यूपी के बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल की नहीं थी, 14 मास की थी, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? आज बोल के जाता हूँ, कल सुबह में चले जाओ, कल रात को मैं 9 बजे वापस आऊंगा उधर। अब मेरा नहीं चलेगा, कल मैं आऊंगा ना, मेरा नहीं चलेगा, पूरे गांधीनगर जिले का पूरे गुजरात का चलेगा उधर, मेरे ठाकुर समाज उधर आएंगे, तो ये नहीं बोलने का कि हमने नहीं बोला था, आज वार्निंग देने के लिए आया। ओके ठीक है, कल सुबह बोलो। पत्थर नहीं रस्ते के बुनियादे वतन है हम, क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है? मैं आपको बताऊं कि यूपी और बिहार के लोग इतने कमजोर नहीं जितना आप समझते हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना आपका हक है उतना ही हक यूपी और बिहार वालों का है। याद करिए, महात्मा गांधी ने अगर अपना आंदोलन छेड़ा तो उन्हें सबसे ज़्यादा परफेक्ट और उनके लिए माकूल धरती अगर कोई मिली तो वो यूपी और बिहार की धरती चंपारण मिली थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बिहार के वो लोग होते हैं जो लोग जमीन का सीना चाक कर अपने हिस्से की रोजी निकालना जानते हैं, अपने हिस्से की रोटी निकालना जानते हैं। क्यों आखिर यूपी और बिहार वालों से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि आप जलते हो यूपी और बिहार वालों से। यूपी और बिहार के लोग आपका खाते नहीं, अपनी मेहनत अपनी मजदूरी करके आपका घर लगाते हैं और बदले में सिर्फ क्या मिलता है? चंद रुपये मेहनताना के तौर पे। यूपी और बिहार के लड़के, अकेले बिहार के लड़के साल में 2,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में पढ़ने के नाम पे खर्च करते हैं, फिर भी हमें तुम निर्धन समझते हो, फिर भी हमें तुम दरिद्र समझते हो, क्या समझ रखा साहब? 500 ऐसे गुजरात के प्रोडक्ट्स हैं जो यूपी और बिहार में बिकते हैं। अगर यूपी और बिहार वालों ने ठान लिया तो साहब सोच लेना, तुम्हारी दुकानें और दुकानदारी दोनों बंद हो जाएंगी। अगर हम यूपी और बिहार वालों ने तुम्हारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामान को यूज करना छोड़ दिया, तुम्हारे सामान तुम्हारे सामग्री का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उनका प्रयोग करना छोड़ दिया, तुम्हारी दुकानें और तुम्हारे हवा में जो व्यापार है ना, वो व्यापार छोड़ो, वो व्यापार खत्म हो जाएगा जब हम खरीदना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ से पैसे जाते हैं तुम्हारे गुजरात में, फिर भी हम यूपी और बिहार वाले कमज़ोर हैं, तुम्हारी नज़र में चोर हैं, तुम्हारी नज़र में गिरे हुए हैं। हम यूपी और बिहार वाले लोग लगाना जानते हैं साहब, इतिहास गवाह है। अगर पूरे विश्व को सबसे पहले किसी ने विश्वविद्यालय दिया, इल्म का चिराग दिया, शिक्षा का दीप जलाकर दिखलाया तो वो ये बिहार की धरती नालंदा थी। यूपी और बिहार के लोग की बात करते हैं, ये वही बिहारी था जिसने शेर शाह सूरी के रूप में दिल्ली के मुगल सल्तनत की जड़ें उखाड़ के फेंक दी, वो एक बिहारी ही था, फिर भी आप यूपी और बिहार वालों की बात करते हो साहब। वो वही बिहारी था जिसने हिंदुस्तान को पहला राष्ट्रपति दिया, फिर भी आप यूपी और बिहार वालों की बात करते हो। ये वही बिहारी था जिसने अशोक दिया, फिर भी आप यूपी और बिहार वालों की बात करते हो। ये वही बिहार की जगह थी जिसने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाकर पूरी दुनिया के लिए शांति का संदेश वाहक बना दिया, फिर बिहार यूपी और बिहार वालों को देखते हो, पूछते हो तुम बिहारी हो तो पिट जाओगे, तुम बिहारी हो तो गुजरात खाली कर दो, तुम बिहारी हो तो महाराष्ट्र खाली कर दो, तुम बिहारी हो तो असम खाली कर दो, तुम बिहारी हो तो सब क्या साहब,
क्या साहब, क्या समझ रखा बिहारियों को, बिहारियों के बाजुओं में बहुत जान होती है साहब, लेकिन हम साहब अमन के पुजारी होते हैं, हम साहब अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ गले मिलना जानते हैं, हम साहब अपनी मेहनत के बदौलत ऊंची ऊंची महलें तामीर करना जानते हैं, हम साहब भीख नहीं मांगते, हम साहब अपनी मेहनत देते हैं, हम साहब दीवारों के अंदर जान डालते हैं, फिर भी यूपी और बिहार बदनाम है। और छोड़ दो साहब, तुम्हारे एक गुजराती चाय वाले को इन्हीं यूपी और बिहार वालों ने मिलकर 108 सीट 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में देकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया, फिर भी यूपी और बिहार की बात करते हो। तुम्हारे चाय वाले गुजराती को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो अकेला ये दो राज्य 108 सीटें देकर के, 108 सीटें देकर के एक चाय बेचने वाले गुजराती को प्रधानमंत्री बना देता है, फिर भी बिहार और यूपी वाले तुम्हारी नजरों में गिरे हुए हैं। संभल जाओ साहब, संभल जाओ, ये यूपी और बिहार के लोग बड़े मेहनत कश लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, ये तुम्हारे घर लगाते हैं, ये तुम्हारे बागीचे लगाते हैं, ये तुम्हारी फैक्ट्री चलाते हैं, ये तुम्हारे लिए मेहनत करके सिर्फ अपनी मजदूरी लेकर तुम्हारे लिए महल और बिल्डिंग तामीर कराते हैं। इन यूपी और बिहार वालों की कदर करो साहब, वरना याद रखना तुम और तुम्हारे गुजरात की हवा जो है ना, उसकी हवा निकल जाएगी साहब। यूपी और बिहार के तो वो लोग वो महान होते हैं जो आपके इस तरह की हरकतें बार बार होने के बाद भी, आपके द्वारा इस तरह की लालचने भी बार बार होने के बाद भी सहते हैं और मुस्कुराकर सहते हैं और आपको माफ कर देते हैं। याद रखना, जिस दिन बिहारी, जिस दिन यूपी वाले अपने आप पर आ गए तो साहब हवा निकल जाएगी आपकी।